अजमेर की सबसे बड़ी ग्लेन गैलरी शी मार्केटें। अजमेर में पैगंबर मोहम्मद का जन्मदिवस ईद मिलादुन्नबी रविवार को मनाया गया। इस दौरान ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह सहित विभिन्न स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसके चलते अंदरकोट इलाके से पारंपरिक जुलूस निकाला गया। ईद मिलादुन्नबी पर्व को लेकर गरीब नवाज की दरगाह को भी विशेष रोशनी और फूलों से सजाया गया है। वहीं मुस्लिम समुदाय के लोगों द्वारा शनिवार रात विशेष इबादत कर दुआ मांगी गई। वहीं 12 वफात के मौके पर दरगाह में मुए मुबारक की जियारत भी कराई गई। मुए मुबारक की जियारत के लिए दरगाह में अकीदमंद की लंबी कतार लगी रही। देखिए, नायबुल नबी अताए रसूल का दरबार है, जिनका आज जश्न मिलादुन नबी है। अल्लाह ताला ने उन्हीं के लिए कायनात बनाई और उन्हीं ही ने हुजूर गरीब नवाज को आज 1000 साल पहले यहाँ भेजा। आज उन्हीं के जद्द अमजद का ये जश्न मिलादुन नबी, जो सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं तमाम आलम इंसानियत के लिए मनाना शर्फ हासिल करना चाहिए, जिसके लिए कायनात बनी, जिसके लिए सृष्टि रची गई, जिनके लिए आज हमारा आपका वजूद हुआ, आज उनका जन्म है, उनकी शान है। या अल्लाह की शान में हम क्या बयान कर सकते हैं कि ये उसका करम है कि उसने हमें हिंदुस्तान में हुजूर ख्वाजा हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी सुम्मा अजमेरी के आस्थाने आलिया का ग़ुलाम बनाया, खादिम बनाया, और 1000 साल से आज ख्वाजा साहब हमें अपनी एक माँ की तरह गोद में लिए हुए हैं, और हम जितना एहसान उनके चुकाने की बात करें तो कभी क़यामत तक नहीं चुका सकते। ये सरकार दो आलम का ही सदका है, ये इन्हीं का करम है हज़रत मोहम्मद वसल्लम का, कि आज हम यहाँ इस ज़मीन पर हिंदुस्तान के ख्वाजा ख्वाजगा के आस्थाने पर दुआ गो हैं और दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इस पूरी आलम इंसानियत पर अपनी मेहरबानी फरमाए और हम इंसानों को इंसान बनने की तौफीक अता फरमाए और हर जगह अमन हो, अमान हो, और दुनिया की दौलत से मालामाल हो, हर घर में खुशहाली हो। इन्हीं के आज की रात के सत्र में मैं दुआ मांगूंगा कि आज जो भी प्रोग्राम हो रहा है वो तो उनकी निशान में नात खानी भी होगी, कुरान खानी भी होगी, जिन पे कुरान उतरा, जो कुरान लेके आए, आज जितने प्रोग्राम भी होंगे सब उन्हीं की शान में होंगे। और ये सिलसिला आज से नहीं, एक 14 तो अलैकुम गरीब नवाज के दरबार में ये 4 रोज़ा प्रोग्राम होता है जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, जो अंजुमन सैयद जादगान की तरफ से होता है। और अंजुमन सैयद जादगान ये सब रोशनी वगैरह डेकोरेशन सब अंजुमन सैयद जादगान कराती है और हुजूर के दरबार को दुल्हन की तरह सजाती है। और ये जो है 4 रोज़ा प्रोग्राम तिलावत कलाम पाक से शुरू होता है और 3 हिंदुस्तान के बड़े नातका इस प्रोग्राम में शामिल होंगे। कल 8 अक्टूबर को तकरीर के लिए जो है हैदराबाद से मुकर्रर आएंगे और सलात व सलाम शाहीन मोइनी साहब पढ़ेंगे। और इसका जो है एक लंगर, बड़ा लंगर मगरिब की नमाज के बाद अंजुमन सैयद जादगान की तरफ से मकबरे के अंदर कल 8 अक्टूबर को होगा, और एक जुलूस के अंदर भी बड़ा लंगर अंजुमन सैयद जादगान की तरफ से दौलत बाग कुतुब साहब में किया जाएगा। मैं सैयद असलम हुसैन चिश्ती, कन्वीनियर जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज ईद मिलादुन नबी मनाई जा रही है हुजूर गरीब नवाज की बारगाह में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में। ये आमद है हुजूर सरकार दौलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की। इस ईद मिलादुन नबी के मौके पर अजमेर शरीफ में चारों तरफ लाइटिंग डेकोरेशन, जिसमें फूलों का भी डेकोरेशन, खुशबू का अहतमाम, लंगर का अहतमाम, और हुजूर की बारगाह में खसूसी इस वक्त में हुजूर सरकार दो आलम के तबरुकात और मुहे मुबारक शरीफ की ज़ियारत कराई जा रही है, जो बारगाह गरीब नवाज में कदीमी वक्त से चला आ रहा ये सिलसिला है। आज हिंदुस्तान में जो दीन इस्लाम का पैगाम, इंसानियत का पैगाम दिया जाता है वो बारगाह गरीब नवाज से दिया जाता है, और यहाँ हर मज़हब और मिल्लत के लोग बारगाह गरीब नवाज में आके फैजियाब हो रहे हैं और यहाँ पर इस मकाम पर आके हुजूर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मुहे मुबारक की ज़ियारत कराई जा रही है, और वो लोग यहाँ
दुरूदों के तोहफे पेश करके तबरुकात और दुआएं हासिल कर रहे हैं। मौला सबको खुश और आबाद रखे। मैं अपनी जानिब से तमाम मुल्क वालों को ईद मिलादुन नबी की मुबारकबाद पेश करता हूँ। सैयद मोहम्मद ज़ीशान हाशिम मेरा नाम है।